हेलो, मेरा नाम राहुल सिंह राजपूत है। एक्चुअली मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा करियर लाइन काफ़ी मतलब बुरा चल रहा था और मुझे तभी नेट से पता चला जेम माइंस करके एक स्टोर है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रत्न मिलते हैं जो कि आपको रिकमेंड किया जाता है कुंडली बनाने के बाद। और मैंने यहाँ पे विजिट किया नेट के थ्रू, एड्रेस सारा कुछ सर्च करके, और मैं यहाँ पे आया तो मेरी जो जन्म कुंडली है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनी और रिकमेंडेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। और उसके बाद बहुत ही कुछ डिटेलिंग में बताया गया, हालांकि मुझे पता चला मुझे एक एमेथिस्ट नाम का ब्रेसलेट पहनना है जो कि मैं ये पहन रखा हूँ, इससे काफ़ी मुझे कुछ अच्छा लाभ होगा, देखता हूँ लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे मुझे इस स्टोर के बारे में काफ़ी कुछ फीडबैक मिला मेरे दोस्तों के थ्रू, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे विजिट किया और मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे वो रत्न खरीदे, जैसे मेरे फ्रेंड ने पन्ना रत्न खरीदा जो कि बहुत सारे क्वालिटीज में थे। आप मतलब आप जितना आपका बजट अलाउ करता है 6,000, 4,000, 12,000, 29,000 जैसा आपका बजट सूट करता है। एक्चुअली जो बजट के हिसाब से क्या होता है वो पत्थर का जो एनर्जी होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, तो आप जैसा चाहो ऐसा ले सकते हो। वैसे बहुत ही बेस्ट स्टोर है, यहाँ पे माहौल भी काफी फ्रेंडली है, जो लोग यहाँ पे आपको डील करते हैं वो काफी अच्छे और प्यार से बात करते हैं, काफी कुछ अच्छा बताते हैं, और यहाँ पे जो भी प्योरिटी है जो लोग बताते हैं वो अच्छा बताते हैं। मैंने पहले भी काफी लोगों से मिल चुका हूँ, वहाँ पे मुझे सेम चीज बोली गई थी, बट यहाँ पे काफी डिटेलिंग देखने को मिली जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यहाँ पे अपना ये आज एमेथिस्ट मैंने लिया और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी बहुत ही चीज अच्छी, आप जब भी आना चाहो यहाँ पे आप आके देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यहाँ पे रिकमेंडेशन ले सकते हो, जन्म कुंडली बनवा सकते हो, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि रत्न पहनना है नहीं पहनना है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको सिर्फ वो एक ट्रैक बता देंगे, आपकी सारी चीजें बता देंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे लेना है तो आप ले सकते हो। बाय द वे, अगर आप और भी कुछ आगे जानना चाहते हो तो किसी और भी जगह जाके पता कर सकते हो, बट इससे बेटर कुछ भी नहीं मिलता। थैंक यू सो मच।